ऐसी जय फातिमा। सब लोगों ने अपनी बात कह ली, लेकिन हम बहुत ही अपील हैं और बहुत जो बहुत छोटी बात कहेंगे और छोटी सी कविता आपके सामने रखेंगे। बस इतना कहना चाहेंगे कि जो सरकार है और ये जो इंस्टीट्यूशन है, दहशतगर्द इंस्टीट्यूशन है, इसको बड़ा डर लगता है सवाल करने वाले लोगों से, और भी ज्यादा डर लगता है उन औरतों से जो सवाल उठाती है, क्योंकि ये उनकी मर्द परस्त हिंदुत्व राष्ट्र के पैमाने में फिट नहीं होती। तो सबसे ज्यादा डर अगर लगता है इस सरकार को तो इन औरतों से लगता है जो अपनी आहों से, अपनी याचिकाओं से, अपने सवालों से जमीन नींद हिला रही है इस दहशतगर्द सरकार की। और याद रखिएगा कि ये हमारे सवालों को बदलना चाहेंगे, हमें उलझाएंगे, ये कहेंगे कि भाई लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल ना करो, फला शब्द का इस्तेमाल ना करो, भाई सिर्फ इस मजहब के लोगों के साथ, इस जाति के लोगों के साथ थोड़ी ना होता है, हर जाति और हर मजहब के लोगों के साथ होता है। ये आपको और हमें बार बार फंसाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर हम खामोश रहने वालों में से नहीं है। और लेकिन हम जब जब बोलते हैं तो मार खाते हैं। अगर हम जिसमें जुल्म की बात करेंगे तो हम पे एबीवीपी के गुंडे आएंगे और वार करेंगे, और सिर्फ गुंडे नहीं बल्कि पुलिस भी इनकी है, मीडिया भी इनकी है जो हमारे खिलाफ लिखी थी। तो ये कविता हमने तब लिखी थी जब रामजस मामले में हम लोगों के ऊपर एबीवीपी ने वार किया था, जब हम लोग सवाल उठा रहे थे। इस कविता का नाम है तड़प तड़प के। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई है, हमको सजा दी बात की, सवाल की, वाद विवाद की, ऐसा क्या गुनाह किया जो पिट गए। हाँ पिट गए हम स्टेट समाज और एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादियों के हाथों पिट गए। पत्थर से मारा, बोतल से पीटा, गुरु शिष्य की परंपरा को ताक पे रख के बंद जहन के खंजर से पीटा, फिर बेतर्क मुद्दों और इल्जामों से मारा। खैर गुनाह में हमारा डरा था, हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था जहां अपने जैसे देशद्रोहियों को इनवाइट करा था, वो देशद्रोही जो जुल्म बतावे, बस्तर में बढ़ता जोर दिखावे। फिर क्यों ना भारत के सपूतों का खून खोलता, जोश में आते डंडा चलता, और सुनकर आजादी का नारा आ गए सेल्फ प्रोक्लेम्ड सन्स ऑफ भारत माता, लगाने लगे ऊंचे नारे, फुल फर्वर में थे सारे के सारे, भारत माता की जय, तेरे कपड़े सब उतारूंगा, भारत माता की जय, आजादी मैं दिलवाऊंगा, भारत माता की जय। मेरे दस गांव देश के प्यारे गुंडों, और अब से पार्लियामेंट और सरकार के प्यारे गुंडो, ये दादागिरी बोले शोले तुम ही रखो, तुम ही रखो, हर हर मोदी गोली गोली तुम ही रखो, तुम ही रखो, पत्थर लाठी घूसे घूसे तुम ही रखो, तुम ही रखो, लंबी मुछड़ी नेता की पिछड़ी तुम ही रखो, तुम ही रखो, देशद्रोह के सुंदर तमगे तुम ही रखो, तुम ही रखो, कान लगाकर सुन लो गूंज बढ़ते हमारे कदमों की, आओ देख जाओ उत्तेजित भीड़ हमारे धर्मों की, ये बैरिकेड जल्द गिर जाएंगे, हम अनंत नगमे गाएंगे और तुमको ये बतलाएंगे कि आपके लगाए एक एक तालों में अपने जमान की चाबी रख देंगे यार, फिर खुल्लम खुल्ला करेंगे प्यार और पॉलिटिक्स, खुल्लम खुल्ला सेमिनार, रिक्लेम यूनिवर्सिटी बाजार सड़क करेंगे, जुल्म जबर को बाय बाय कहेंगे, एज इट इज न्यू लैक इनोवेशन हम नए नारे ईजाद करेंगे, तुम नफरत नफरत गाय जाओ, हम प्यार और आजादी दरियाफ्त करेंगे, हमें खुश रहने की आजादी, वाद विवाद की आजादी, वो ईंट पत्थर लाठी नहीं, प्यार मोहब्बत की आजादी, मैस्कुलिन पॉलिटिक्स की आजादी, हम हंस के लेंगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी हम हंस के लेंगे आजादी, और गाय के लेंगे आजादी, हम गा के लेंगे आजादी, और लिख के लेंगे आजादी। तुम्हें तो आप समझ गए होंगे कि हम अपने ख्वाबों की बनाएंगे देश दुनिया और यूनिवर्सिटी, तो वो हर 56 इंच की छाती, वो हर 56 इंच की छाती, नो लॉन्गर वी सेल एनर्जी एंड स्टॉप बीइंग
old and creepy, lazy, also masculinity and facade. याद रखिएगा कि नजीब का कैंपस से गायब होना या करवाया जाना इस बात की दलील है कि अब हमारी आवाज गायब करने का भी इन्होंने प्लान बना रखा है। जो हाशिए पे मुसलमान पसमानदा लोग खड़े हुए हैं उनको गायब करने का, उनकी आवाजों को, उनकी आयों को, उनकी याचिकाओं को, उनके सवालों को गायब करने का पूरा प्लान बना रखा है। और सड़कों के ऊपर आप सोच सकते हैं कि मुसलमान इंसान या दलित जो कोई हाशिए पे खड़ा है, पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता है, उसके दिल में कितना डर है। हम आपस में जब दोस्त मिलते हैं तो सिर्फ डर की बातें करते हैं, सिर्फ चाय नहीं पीते, सिर्फ आपसी बात नहीं करते, बल्कि बहुत ही नफ्सियाती बात कह रहे हैं कि सिर्फ डर की बातें करते हैं कि कैसे, क्या हमारे पेपर तैयार है, क्या हमारे पेपर तैयार है। अगर दूसरे शहर में हम रहने गए हैं तो माँ बाप फोन करके कहते हैं कि देखो घर लेना तो ऐसी जगह पे लेना जहाँ पे अपने लोग मौजूद हो, ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो जाए। तो हमें ये मिथ बदलनी है, हमें सवाल उठाते रहना है और थकना नहीं है। और बस ये आखिरी कविता से हम अपनी बात को तमाम करते हैं। ये कविता हमने लिखी थी जब अखलाक के ऊपर वार हुआ था और ऐसा लगा, और ईद का रोज था जब ये कविता लिखी थी। आज सुबह से आसमान रो रहा है, एक नाकामयाब कोशिश में लगा है कि सड़क पे फैले लहू के दाग धो जाए उसके आंसुओं से, या फिर कोशिश कर रहा है कि कैसे सड़कों पे लिखे गए नए संविधान के नए प्रियाम्बल की स्याही को नालियों में बनाकर फना कर दे, वो स्याही जिसमें साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण पूंजीवादी सांप्रदायिक और लिंच गणराज बनाने के लिए तहे दिल से और उसके समस्त अल्पसंख्यकों और पसमानदा तबकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अन्याय न विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, न खुद की मर्जी से खाने और न उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में फोर्स्ड नेशनलिज्म और हिंदुत्व की भावना और इमेजिन अखंडता सुनिश्चित करने वाली नफरत और जुल्म को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। हमारा प्यारा प्यारा देश हमें रोज ईदी भेजता है, क्या खूब तोहफे मिलते हैं हर ईद में। कभी दादरी के लोग अखलाक का बहता खून भेज देते हैं, कभी उधमपुर से आती है जायद रसूल की चित्री लाश। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।